गोरिल्ला वानर प्रजाति के सबसे बड़े सदस्य हैं और हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक हैं, क्योंकि इनका डीएनए 98% इंसानों से मिलता है। साथ ही गोरिल्ला काफी बुद्धिमान होते हैं। यह इंसानों की तरह हंसने और दुखी होने जैसी भावनाएं दिखाते हैं और सीखते भी जल्दी हैं। कोको नाम की एक फीमेल गोरिल्ला को साइन लैंग्वेज सिखाई गई और अपने जीवन काल के दौरान कोको ने 1000 से ज्यादा संकेतों का उपयोग करना सीख लिया था। गोरिल्ला मध्य अफ्रीका में रहते हैं। पश्चिमी गोरिल्ला और पूर्वी गोरिल्ला गोरिल्लाओं की दो मुख्य प्रजातियां हैं। गोरिल्ला 5 से 15 सदस्यों के समूह में रहते हैं। एक ताकतवर और वयस्क गोरिल्ला इस परिवार का लीडर होता है। इसकी पीठ के निचले भाग पर सफेद बाल होने के कारण इसे सिल्वर बैक कहते हैं। यह गोरिल्ला शिकारियों और अन्य गोरिल्लाओं से अपने समूह की रक्षा करता है। गोरिल्लाओं की लंबाई 4 से 6 फीट के बीच होती है। मेल गोरिल्ला का औसत वजन 180 किग्रा होता है। मादा गोरिल्ला नर से वजन में लगभग आधी होती है। जब दो गोरिल्ला समूह मिलते हैं तो लीडर्स की लड़ाई भी हो सकती है। अन्य गोरिल्ला आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं। नर गोरिल्ला अपनी ताकत दिखाने और अन्य गोरिल्लाओं को डराने के लिए अपनी छाती पीटते हैं। गोरिल्ला की बाइट लायन और ग्रिजली बेयर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जंगल में गोरिल्ला 35 से 40 वर्ष तक जीते हैं। गोरिल्ला अपना ज्यादातर समय भोजन की तलाश में बिताते हैं। इनका मुख्य आहार पत्ते, टहनियां और फल हैं, और ये कभी कभी दीमक और चींटियों जैसे छोटे कीट भी खा लेते हैं। सिल्वरबैक गोरिल्ला के पास समूह की मादाओं के साथ प्रजनन का विशेष अधिकार है। फीमेल गोरिल्ला 8.5 महीने बाद एक शिशु गोरिल्ला को जन्म देती है, जो 3 साल तक अपनी जरूरतों के लिए अपनी माँ पर निर्भर होगा और सिल्वरबैक इसकी रक्षा करेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस एनिमल पर होना चाहिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।